स्टेट से जुड़ी हर खबर जानने के लिए देखते रहिए रेड बॉक्स टीवी। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और तमाम तर अपडेट हासिल करने के लिए बेल आइकन पे जरूर क्लिक कीजिए। बैरियर रीन्स का मैप रिवील हो गया, लेकिन लोगों के बढ़ते हुए खदशात और तो और काफी सारे तबसरे। सुनने के लिए देखते रहिए रेड बॉक्स टीवी, सब्सक्राइब कीजिए हमारा चैनल और बेल के आइकन पे जरूर क्लिक कीजिए। कल यानी कि 26 जून को बैरियर रीन्स की लोकेशन को रिवील कर दिया गया, लेकिन इस पे बहुत से लोगों ने तबसरे भी किए। सबसे पहले हम आपको बताएं कि चीफ एग्जीक्यूटिव बैरियर टाउन अली रियाज मलिक यानी कि मलिक रियाज हुसैन के साहबजादे ने कहा कि जो लोग अपनी किस्तें पूरी कर लेंगे उनको बैरियर टाउन के बैंक EIBL की तरफ से 100% घर बनाने के लिए आसान शराइत पे कर्जे दिए जाएंगे। उसी के साथ साथ बैरिया कंट्री हेड शाहिद महमूद कुरैशी ने कहा कि इंशाल्लाह बैरियर ग्रीन प्रोजेक्ट लोगों के लिए मिसाली है। लेकिन इसी के साथ साथ बहुत सारे लोगों ने इस पे बहुत तबसरे भी किए और बैरियर ग्रीन्स पे कीचड़ उछालते रहे। ये एक लो कॉस्ट हाउसिंग स्कीम है जो लोगों की फैसिलिटेशन के लिए बनाया गया है। इसी में एक फेसबुक सारिफ का कहना था कि अगर ये जमीन बैरिया की मिल्कियत है तो वो क्यों कर इन लोगों को प्लॉट के अलॉटमेंट नहीं दे रहा, जिससे वो पूरी कीमत से पहले ही वसूल कर चुका है। मैं बैरिया के मुतासरीन के एक्शन कमेटी, जमात इस्लामी और दीगर स्टेक होल्डर्स और मालिक के इदारों से दरख्वास्त करता हूँ, चूँकि अब बात सामने आ चुकी है बैरिया के पास इजाफी जमीन है तो वो बैरिया ग्रीन्स के नाम से फरोख करना चाहता है, इसकी फौरी तौर पे अपने कब्जे में लेकर उनमें से लोगों की मसावी तकसीम करें जिसके पैसे पहले ही बैरिया ने लिए हुए हैं। काफी लोगों ने बैरिया ग्रीन्स को फ्रॉड ही कहा, लेकिन उन्होंने ये भी कहा कि सारे इन्वेस्टर्स केयरफुल रहें। सवाल ये उठता है कि ये तबसरे आ क्यों रहे हैं। बैरिया ग्रीन सुप्रीम कोर्ट को अपनी इंस्टॉलमेंट्स भी पे कर रहा है। थोड़े ही अरसे पहले उन्होंने सेंट्रल पार्क अपार्टमेंट्स भी लॉन्च किए थे जहाँ पे कंस्ट्रक्शन का काम तेजी से जारी है। तो फिर ऐसा क्यों होता है इस मुल्क में कि जब भी कोई नया प्रोजेक्ट आता है तो उसकी रेपुटेशन पहले से ही स्टेक पे लग जाती है उसके पास्ट एक्सपीरियंसेस की वजह से। मजीद जानने के लिए देखते रहिए रेड बॉक्स टीवी।